नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव ब्लॉग में। और दोस्तों, आज हम आ गए हैं वृंदावन के चेतन विहार फेज टू में, और ये है ब्रज रानी धाम। हमारे साथ में यहाँ के मैनेजर साहब हैं, इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण शर्मा। जान लेते हैं कि मथुरा जंक्शन से यहाँ की दूरी कितनी होगी। 13 किलोमीटर। छठीकरा कट से 6 किलोमीटर। एक बार एड्रेस बताओगे यहाँ का? यहाँ का एड्रेस है चेतन विहार फेज टू, नियर बाई पंचकुला भवन। पंचकुला भवन के पास में चेतन विहार फेज टू में आपको ये मिल जाएगा। आप यदि मथुरा की तरफ से आ रहे हैं तो फ्लाईओवर पर, वृंदावन के फ्लाईओवर पर जैसे ही आप आएंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप आएंगे और पंचकुला भवन के पास में ही ये ब्रज रानी धाम गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा। यहाँ का टूर कराते हैं, यहाँ के रूम्स दिखाते हैं और यहाँ का नंबर भी आपको देंगे। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कैसे हैं यहाँ के रूम्स। आइए दोस्तों, अंदर रिसेप्शन पर आ गए हैं और एक बार जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। एक बार को पूछ लें, लाइट बैकअप है? हाँ जी। और पानी कैसा है? पानी नॉर्मल है हर रात में। और पीने के लिए सही? पीने के लिए आरओ वाटर है। पीने के लिए आरओ वाटर है। कितनी कैटेगरी के रूम्स हैं? डबल बेड रूम हमारे पास हैं 12 जी। एक रूम है फोर बेड। हाँ जी। और पार्किंग की पूछें तो पार्किंग रहती है? सामने। पार्किंग सामने ही रहती है। अच्छा, कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार चलते हैं, रूम्स देख लेते हैं। दोस्तों, रूम नंबर है 02 और ये 4 बेडरूम है। एक बार चल के देख लेते हैं। आइए। तो दोस्तों, 4 बेडरूम में आ गए हैं और यहाँ पर सिंगल 2 बेड हैं और ये डबल बेड, एक किंग साइज बेड है। हाँ, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या मिल जाएगा? अटैच बाथरूम मिल जाएगा, लैट्रिन बाथरूम, और एसी है, गीजर गर्म पानी का, गीजर है। अच्छा, एसी कितने टन का है ये? 1.5 टन का। 1.5 टन का एसी। टॉयलेटरीज में क्या देते हैं आप? साबुन हो गया, टॉवल हो गई। हाँ जी, टॉवल देते हैं। टॉवल देते हैं, वाइट। अच्छा, तो यहाँ का प्राइस जान लेते हैं एक बार। इसका 4 बेडरूम का 1200 रुपये प्राइस है। दोस्तों, 1200 रुपये में आपको 4 बेडरूम अभी वृंदावन में, मैंने जितने टूर किए हैं उनमें नहीं है कोई। कितने लोग रुक सकते हैं इसमें? इसमें 5 लोग आराम से। 5 लोग आराम से आ जाएंगे। तो बजट रूम है, और इसके अलावा दूसरा जो कैटेगरी है हमारी वो कौन सी? डबल बेडरूम है। डबल बेड है। चलिए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अब आ गए हैं रूम नंबर 105 में और ये है हमारा डबल बेडरूम। डबल बेडरूम, चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, रूम में आ गए हैं, यहाँ डबल बेडरूम है, किंग साइज बेड है ये। और मैट्रेस का पूछें तो ये कितने इंच की मैट्रेस है? 5 इंच। 5 इंच की फॉर्म मैट्रेस है। हाँ जी। और इसके साथ में यहाँ पर एक टीवी भी है, और टीवी चलता है? हाँ जी। एक एसी है, 1.5 टन का एसी है। 1.5 टन का। जो 12 रूम आपने बताए हैं उनमें अलग अलग एसी हैं? किसी में स्प्लिट है? सभी, हाँ। 3 स्प्लिट नहीं, 3 विंडो, बाकी सब स्प्लिट एसी। ओके, तो जब आप रूम बुक करें तो कॉल करके ज़रूर पूछें, नंबर अभी हम थोड़ी देर में प्रोवाइड करेंगे आपको। और इसमें कितने लोग रुक सकते हैं? इसमें भी एक्स्ट्रा मटेरियल गद्दे दे देते हैं तो 5 लोग इसमें भी आराम से आ जाते हैं। 5 लोग आराम से इसमें भी आ जाते हैं। और इसका प्राइस पूछ लेते हैं? इसका 1000 रुपये। इसका 1000 रुपये। तो दोस्तों, 1000 रुपये में आप 5 लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, वॉशरूम कैसा है? वॉशरूम में क्या है? गीजर है? गीजर गर्म, टॉवल और साबुन देते हैं? सभी में मिलेगा। सभी में मिलेगा। और लाइट का कैसा रहता है? लाइट सही रहती है? लाइट एकदम बिल्कुल सही रहती है, कोई दिक्कत आती है तो जनरेटर सुविधा है। जनरेटर सुविधा भी है। दोस्तों, यहाँ पर एक हॉल भी है, और इस हॉल में कितने लोग रुक सकते हैं? 60 लोग आराम से। ये कितने का पड़ेगा? ये 100 रुपये पर आदमी के हिसाब से इसमें रोक लेते हैं बंदे। अच्छा, कोई इंडिविजुअल एक बंदा आता है तो उसके लिए भी दे देते हैं? एक एक दो दो बंदे आते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दे देते हैं। अच्छा, एसी नहीं है, सिर्फ पंखे हैं? पंखे हैं इसमें। हाँ, एसी भी लगवानी है, 2-4 दिन में आगे लग जाएंगे तो एसी आने वाले टाइम में एसी भी लग जाएंगे। तो चलिए अब आपको नंबर यहाँ का दिलवा देते हैं, आइए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं भैया से कि यदि रूम सर्विस की बात करें तो खाना पीना आ जाता है रूम में? खाना पीना होटल वाला रूम में अवेलेबल करा देता आके। अच्छा, तो आप ऑर्डर करोगे तो होटल से वो लेके आ जाते हैं? आ जाते हैं। ओके,
चाय पानी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक यहीं मिल जाती है। यही मिल जाती है भैया। एक बार नंबर यहाँ का बता दीजिए आप। नंबर यहाँ का लिखो आप 9891079023 9891079023। एक बार रिपीट करेंगे 9891079023। ओके, और कोई दूसरा नंबर? दूसरा नंबर है 9891216025। ओके, इसको भी रिपीट कर दीजिए एक बार 9891216025। ओके, तो ये दोनों नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ की कोई वेबसाइट नहीं है, आप डायरेक्ट इनसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, बुकिंग कैसे होगी? एडवांस कुछ जमा करवाते हैं? एडवांस जमा करा लेते हैं 100-200-500 जो है, इससे ज़्यादा का एडवांस ये जमा नहीं कराएंगे। तो आप सिर्फ फ़ोन पर ही संपर्क करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में अपना डिस्क्लेमर देते हैं, वही चीज़ मैं फिर दोहराऊंगा, किसी भी होटल धर्मशाला से हमारा या कविता यादव ब्लॉग का कोई संबंध नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। और किसी भी बुकिंग या लेन देन में होने वाले वाद विवाद की जिम्मेदारी कविता यादव ब्लॉग या मेरी नहीं होगी। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर ही बुकिंग करें। तो दोस्तों, ये था यहाँ का टूर। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी अन्य धर्मशाला, होटल, मंदिर या फूड को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।